Hello guys, welcome or welcome back to my channel. It's been so long that I haven't filmed a video sitting front face to face. I mean, it feels great. Like it's literally been a year that I haven't sit and I've spoke to you. Anyways, in today's video, I am going to share this beautiful look jo ki hai self कॉलेज गोइंग टीचर्स या लेक्चरर्स या फिर प्रोफेसर्स के लिए खास करके. तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा मुझे लगा अपनी आई मेकअप. यानी मुझे जो भी मेकअप मैं करूँ, आई मेकअप परफेक्टली होना चाहिए. भले ही फाउंडेशन ना लगे हो ठीक ठाक से, भले ही कंसील ना हो प्रॉपरली, लिपस्टिक इधर उधर लगा हो, ब्लश इधर उधर लगा हो, इट डजंट इवन बॉदर मी इफ माई आईज आर लुकिंग ग्रेट. बिकॉज आईज आर दोज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर दैट एवरीबडी लुक्स इनटू. सो फॉर मी इन दिस मेकअप ऑल्सो my eye makeup has gone really good. I didn't use more products, I've used just simple products. And let me tell you one thing, I have been in the field of teaching for undergraduate students for about 2 years. So मुझे पता है कि कॉलेज गोइंग लेक्चरर्स को किस प्रकार की मेकअप पसंद है. ज्यादातर टाइम भी नहीं होते हैं तो लिमिटेड प्रोडक्ट से ही काम करना पड़ेगा और अच्छा प्रेजेंटेबल भी दिखना पड़ेगा. आप मेकअप लुक का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू अप्लाई थाउजेंड ऑफ फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, ब्लश, हाइलाइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज यू आर गोइंग टू टीच इन कॉलेज. ऑफकोर्स टीचिंग इज वे मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, बट प्रेजेंटेबल भी दिखना पड़ेगा. इसलिए मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर दैट, If you haven't subscribed yet, what are you waiting for? Subscribe to my channel, hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. Now, let's get started. So, पहली चीज जो आपको अपने चेहरे पे लगाना चाहिए वो है ये मॉइस्चराइजर. आपको जो भी मॉइस्चराइजर पसंद है वो लगाइए, लेकिन मैं यहाँ पे पॉन्ड्स के इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड इट इज प्रीटी मच गुड फॉर ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन. तो पहली चीज है आपको मॉइस्चराइजर लगाना. मॉइस्चराइजर लगाने से जो भी मेकअप आप करते हो या जो भी प्रोडक्ट्स आप डालते हो, स्किन डैमेज नहीं होती है. इट एक्ट्स एज अ बैरियर, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर टू योर स्किन. सो ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइजर बिफोर एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट, आई एम अप्लाइंग दिस VLCC SPF 15 SPF 25 PA++ सनस्क्रीन. नाउ आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अप्लाइंग सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज really really important. Even though you are staying at home, you need to apply sunscreen so that you get protection from the sunlight rays. It helps your skin damage free and it also helps your skin to flourish well. नेक्स्ट स्टेप, आई एम अप्लाइंग दिस इनसाइड का प्राइमर. मुझे ये प्रोडक्ट ठीक ठाक लग रहा है, इतना भी अच्छा नहीं है मेरे लिए खास करके, क्योंकि आई स्वेट अ लॉट. तो दिस डजंट रियली एक्ट एज अ स्वेट प्रूफ. ऑल द प्राइमर इज अप्लाइड सो दैट योर स्किन स्टेज इन, सो दैट योर मेकअप स्टेज इन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू डोंट स्वेट. बट इनसाइड के मुझे प्राइमर इतना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इससे मेरी स्किन स्वेटिंग होती है और मेरे मेकअप रिमूव हो जाती है. बट यू कैन ट्राई लैक्मी प्राइमर एज वेल. सो अप्लाई प्राइमर बिफोर यू अप्लाई एनी मेकअप सो दैट योर मेकअप स्टेज इन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ स्वेट प्रूफ. Next, I am adding this Lakme Illuminating Cream. Although this product is not worth the hype, I mean, jitna zyada is product ke liye hype hai, utna zyada worth nahi hai. But just to give that dewy effect, just to give that simple little highlighting effect, you can go with this Lakme 925. No, you can go with the Lakme Illuminating Skin Moisturizer. आफ्टर विच मैं यहाँ पे जो भी स्कार्स है मेरे वहां पे कंसील कर रही हूँ यूजिंग द मेबेलिन कंसीलर. इससे आपको फुल कवरेज, मैंने यहाँ पे फुल कवरेज नहीं किया है, आप देख सकते हो देयर आर स्कार्स ऑन माई फेस एंड दैट इज फाइन. ऐसा भी नहीं लगना चाहिए जैसे कि आप शादी पे जा रहे हो, आप जा रहे हो कॉलेज के लिए. तो हल्का सा टचअप ही काफी है आपके लिए, जस्ट टू लुक प्रेजेंटेबल. नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू seal the makeup that you have done. So add the compact powder so that you can remove the excess oil and also jo bhi makeup aap lagaye ho wo achhi tarah se set ho jaye. Abhi aakhri mein main use kar rahi hu
नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई काजल एंड आई यूज दिस कलर बार काजल पेंसिल। ठीक ठाक है ये भी, ये नहीं कहूंगी कि ये जितना एली 18 का है उतना अच्छा नहीं है ये, पर ठीक ठाक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो रेगुलर यूज के लिए। सो काजल मैंने इसलिए लगाया कि मैंने स्टार्टिंग पे ही कहा था आई लव काजल्स, आई लव my eye makeup going really good. So even if I don't do my entire face makeup, I try and make sure that I do my eyes so that I don't look sleepy in the morning while taking the class. Also kind of gives an attraction to the entire personality. So yeah, मैंने काजल, मस्कारा और मेरे आईब्रोज क्या है, इवन इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी मेकअप, आई कीप सेइंग दिस एवरीवेयर इन एवरी मेकअप वीडियोज ऑफ माइन दैट यू नीड टू फिल इन योर आईब्रोज एंड मेक इट प्रेजेंटेबल। नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे यूज किया है मिस क्लेयर की लिप लाइनर, ये काफी ज्यादा अच्छा है। ऑल्दो जब मैं कॉलेज जाती थी एज अ लेक्चरर मैं लिप लाइनर नहीं लगाती थी, आई यूज टू डायरेक्टली अप्लाई लिपस्टिक। एंड इफ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस मेकअप वीडियोज, काफी सारे मेकअप वीडियोस में मैंने ब्राउन कलर की मेबलिन के लिपस्टिक यूज किया है, हालांकि अभी वो खत्म हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर की मेबलिन की ये लिपस्टिक अल्टीमेट लिपस्टिक लगाया है। लिप क्रेयॉन है ये, लिपस्टिक नहीं है, लिप क्रेयॉन है। इट इज प्रीटी मच गुड बट द वन दैट आई वाज यूजिंग बैक विच इज इन ब्राउन शेड वो बहुत ही अच्छा है। इफ आई गेट द लिंक आई विल डेफिनेटली पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड या एक बिंदी लगा के मेरे मेकअप लुक कंप्लीट किया है। I have used minimal products, although it feels that there are way more products I have used. The most of the products I have used is for the skin benefit, जैसे कि primer लगाया और SPF, ये दोनों को आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। And if you are in very hurry, if you are in very rush and if you just want to look presentable, just apply moisturizer and then SPF and then you can just apply talcum powder or compact powder on your entire face, just like brushing it all over your face, doing your eyebrows और मस्कारा लगा दो, बस आपको कोई और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है इफ यू आर इन अ हरी। बट इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम इन योर हैंड एंड इफ यू वांट टू लुक अ लिटिल बिट प्रेजेंटेबल देन यू कैन ट्राई दिस मेकअप लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई रियली रियली एंजॉयड कमिंग बैक सिटिंग योर फिल्मिंग दिस वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब मैं इतनी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, जितना ज्यादा मुझे एक मोटिवेशन मिलता था स्टार्टिंग यूट्यूब वीडियोज करते हुए, वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं चुप गया था। अभी मैं बैक हूँ, अभी मुझे बहुत पसंद आ रहा है, कैमरा शाई नहीं है, कॉन्फिडेंट भी हूँ और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बढ़ते रहना है। तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद भी आया हो तब भी, अगर आप वीडियो पसंद ना आया हो तब भी आप सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट पे ये बताओ कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आई हैव ट्राइड टू स्पीक मोर इन हिंदी ऑल्सो इन दिस वीडियो बिकॉज आई लव द लैंग्वेज, ऑल्दो आई डोंट स्पीक इट प्रॉपरली लाइक just like you people speak. Anyways, I enjoyed this video. I hope you enjoyed it as well. Thank you for watching this video. I shall see you soon. Take care of yourself. Stay positive. Bye.